सीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मैदान लगाएगी। फॉरेन फंडिंग केस में ताखिर के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल, मौलाना फजल रहमान क्यादत करेंगे। मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारों से बंद, पुलिस और रेंजर्स के जवान तायुनात। ब्रॉडशीट के मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी हाथ खड़े कर दिए। पीएसी का आज होने वाला इजलास मंसूख। कमेटी ने बरतानवी फर्म को 450 करोड़ रुपए देने की वजूहात पर चेयरमैन नैब को तलब किया था। पीएस बावन उमरकोट का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। अमीर अली शाह 55,501 वोट लेकर जिम्मी इलेक्शन जीत गए। जीडीए के अरबाब गुलाम रहीम के 30,605 वोट, जालों का जश्न। पाकिस्तान में कोरोना का हमला हुआ, एक दिन में मजीद 58 अफराद जान से गए। मजीद 1,800 अफराद में वायरस की तस्दीक। हलाकतों की तादाद 11,055 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 35,485 तक जा पहुंची। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, सरगोधा, खुशाब समेत कई इलाकों में हद निगाह कम। मोटरवे बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 24 से 26 जनवरी तक साइबेरियन हवाएं चलेंगी। घर में गैस का बहरान, कराची समेत सिंध के सीएनजी स्टेशन दूसरे रोज भी बंद। सनती एरिया, साइट एरिया और घरेलू इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खवातीन को खाना पकाने में मुश्किल। राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार शाहजमान अलमारूफ लाला सधेर को बिछड़े 24 बरस बीत गए। दुपट्टा, ससी, बगावत, जीदार, यक्के वाली समेत 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और चार दिहाइयों तक आवाज का जादू जगाने वाली गुलुकारा मेहनाज की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। रेडियो, टीवी और फिल्म्स के लिए 2,500 से जायद गीत, गजलें और मिले नगमे गाए। महसूर कुन आवाज आज भी कानों में रस खोलती है।